डॉलर से हमारे लिए कोई संदेश है? कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अब कंसोलिडेट करने लगा है, कहीं ऐसा है कि ये मतलब अब बहुत नीचे नहीं जाना चाह रहा है इन स्तरों से? यहाँ से माइनर शॉर्ट कवरिंग के चांसेस तो हैं, लेकिन फिर भी अभी कोई कॉल नहीं लेना है 106 के पहले डॉलर का। इनफैक्ट 105 से ही प्रॉब्लम है, 106 से प्रॉब्लम है। वो जब तक नहीं निकलता है 106 के ऊपर में, सॉरी 106.75 के ऊपर में जब तक नहीं निकलता है डॉलर इंडेक्स, तब तक कोई कॉल नहीं लेना है। बिकॉज ट्रैजेक्टरी तो डाउन है, फ्यूचर स्ट्रक्चर भी डाउन है डॉलर का, तो एक तरह से 115 के आसपास का टॉप आउट है डॉलर इंडेक्स। तो मुझे नहीं लगता कि अनलेस यूएस ट्रेजरी 250 DMA निकाल के बहुत वहां से शार्प राइज दे ले, इसका रिवर्सल नहीं होगा बहुत ज्यादा। और रिवर्सल होगा भी तो 115 टूट जाएगा, उसका अभी कोई स्टडी नहीं किया जा सकता है। बिकॉज यूएस ट्रेजरी में भी यहाँ से कितना बचा हुआ है, मान लीजिए हो सकता है एक परसेंटेज पॉइंट और बढ़ने का हो, अगर 50 DMA निकालता है यहाँ से, तो उसके अगेंस्ट में क्या डॉलर इंडेक्स 115 निकाल देगा? वो तो मुझे डाउटफुल लगता है, बिकॉज लार्जली वो तो बेक डिन है। जी, हाँ और दूसरी तरफ रुपए की हालत देखें तो वहां पर एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है डॉलर इस समय रुपए के मुकाबले में। मतलब रुपया कमजोर होता ही जा रहा है, 83 का स्तर जो है डॉलर के मुकाबले रुपए का, वो बहुत दूर नहीं है। तो ये जो विरोधाभास हम लोग कई हफ्तों से देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स तो शांत पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ उछल कूद नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया, इसमें कमज़ोरी आती जा रही है फिर से। इसको कैसे देखा जाए? क्या सिर्फ FII की जो थोड़ी बहुत बिकवाली है, कितना बेचा है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का पिछले हफ्ते बेचा है, मतलब सिर्फ उससे तो इतना असर नहीं आता है? देखिए, रुपी डॉलर का जो सिचुएशन है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ से रुपी डिप्रिशिएट होने का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये है कि अनसर्टेन स्ट्रक्चर है, ऐसे में डबल टॉप भी बनते हुए देखा गया है। तो 83 के पास अभी रुपी का बिहेवियर अगले कम से कम 10-15 दिन कम से कम देखना पड़ेगा, और उसके बीच में अगर ब्रेकआउट दे देता है 83 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो डिप्रिशिएशन तो होगा ही, साइकोलॉजिकली स्टॉप लॉस जाएंगे ही। लेकिन जब तक वो नहीं होता है, ये USD INR पर यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। और मेन अब मुझे इंतजार है एटलीस्ट 82.25 के नीचे, 82.25 नहीं, सॉरी, एटलीस्ट ये 81.75 के नीचे रुपये अप्रिशिएट करे, तो फिर शायद मैं थोड़ा कुछ बोलने के सिचुएशन में होऊंगा। उसके पहले यही कह सकता हूँ कि यहाँ जो USD INR का सिचुएशन है, मैक्सिमम इस लेवल के अराउंड कंसोलिडेट करने का है, बहुत डिप्रिशिएट करने का नहीं है। अगर ट्रेजरी यील्ड बहुत शार्प राइज होती, यूएस ट्रेजरी यील्ड, और हमारा US 10 ईयर 50 DMA के ऊपर राइज बहुत नहीं हो पाता है, तो यील्ड डिफरेंशियल वाले जो ट्रेड्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, और तब रुपी को नुकसान होगा, अदरवाइज यहीं पर है।